आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज कुछ लोगों की लापरवाही से एक बच्चे की गई जान। ये घटना सुबह 10:30 बजे आयरोली सेक्टर 5 में घटी। आप पिक्चर्स में देख ही रहे हैं कि कैसे एक बड़ा ऊंचा घोड़ा बिल्डिंग के सामने रखा गया है। ये घोड़ा शायद दुकानों के पोस्टर्स और बैनर्स लगाने के लिए लाया गया है। लापरवाही ऐसी हुई कि लोगों को पता ही नहीं कि बिल्डिंग के ऊपर से हाई टेंशन का लाइन जा रहा है और लाइन को घोड़ा टच कर रहा है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो घोड़ा खड़ा था वो स्टील का था और उसको ब्रेक नहीं लगे थे, जिस वजह से घोड़ा धक्का लगते ही अपनी जगह से हिला और हिलकर वायर से टच हुआ और जगह पर ही बच्चे को जबरदस्त करंट लगकर मौत हो गई। इस बच्चे का नाम अब तक पता नहीं चल रहा है। मृतक को वहां से अस्पताल ले जाया गया है और केस रबाले पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बच्चे को न्याय मिलेगा, क्या अपराधियों को सजा होगी, क्या न्याय का तराजू गरीब की तरह झुकेगा कि हमेशा की तरह पैसे का वजन भारी होगा। शॉक लागला आणि हे प्रकरण कधी झालं? नाही त्याच्याबद्दल मला कल्पना नाही, मला आता 5 मिनिटांपूर्वी पाहिलं। मग तो मुलगा किती वयाचा होता आता ज्याच हे झाले? ते साधारण 10 वर्षाचा। मग हे लाइटीच हा फॉर्म कशा का कारणामुळे इथे ठेवण्यात आलेला? काय कल्पना नाही, आय थिंक तो बोर्ड चेंज करण्यासाठी कदाचित आणलेला ट्रॉली आय थिंक सो ना, रोल करत खाली आली आहे आणि त्या केबल टच झाली आहे, मुलगा जात असताना कदाचित त्याचा हात लागला। मग आता जे ट्रॉली ठेवली त्यांनी इथे, त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात येईल का त्यांना असंच सोडलं जाईल? पोलीस काय कारवाई करतील? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द पब्लिक न्यूज़ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर दें।